हाँ बताओ। सर ए प्लस बी को, ए माइनस बी को 2m ले लेंगे और बी माइनस सी को 2n ले लेंगे बिकॉज दोनों इवन है। ए माइनस, हमने ए माइनस सी को चेक करा, इसमें प्लस बी ऐड कर दिया, माइनस बी ऐड कर दिया, माइनस बी प्लस, प्लस बी माइनस बी किया। अब यस सर, ए माइनस बी की वैल्यू हमने देखो ऊपर क्या ली हुई है, 2m, बी माइनस सी को 2n, 2 कॉमन ले लिया, m प्लस n आ गया। ठीक है, m प्लस n दो इंटीजर हैं, इनका डिफरेंस डेफिनेटली इंटीजर होगा। कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हो आप, दो इंटीजर्स का सम क्या होता है, इंटीजर ही होता है, डिफरेंस भी इंटीजर होता है। हम सम कर रहे हैं दो का तो इंटीजर होगा। इसको मैंने एक नया इंटीजर अज्यूम कर लिया, 2p, मतलब p अज्यूम कर लिया, तो ये 2p हो गया। 2p बच्चों इवन नंबर होगा, जो नंबर 2 से मल्टीप्लाई होता है वो इवन होता है, तो 2 into p डेफिनेटली इवन होगा। अच्छा, तो a माइनस सी क्या आ गया, एक इंटीजर आ गया, और वो भी इवन इंटीजर आ गया। अगर हम इस पे मोड लगा दें, मोड लगा दें, तो ये 2p क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, 2p की वैल्यू पॉजिटिव आएगी फिर, पर इवन तो तभी भी रहेगा। तो a माइनस सी क्या हो गया, a माइनस सी मोड इज इवन। a माइनस सी इवन है यानी कि a माइनस सी क्यों मोड इवन आता है, तो उन उन दोनों एलिमेंट्स का पेयर जिनका मोड इवन आया है वो आर में बिलोंग करते हैं, राइट। सो a माइनस सी मोड इवन आ गया, इसका मतलब इन दोनों का जो पेयर बनेगा वो आर में बिलोंग करेगा, क्योंकि आर में बिलोंग करने की यही कंडीशन है, राइट। तो a c आर में बिलोंग करेगा, तो आर ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, ये था बच्चों, आर अगर ट्रांजिटिव है, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, अब ये कहता है कि ये जो सेट है, इस सेट में ये जो एलिमेंट्स हैं 1 3 5, इसका एक ए वन सेट बना लिया 1 3 5, और एक ए टू सेट बना दिया 2 4। ठीक है, ये कहता है कि ए वन के सारे एलिमेंट अपने आप से एसोसिएटेड होंगे। भाई ए वन में कैसे एलिमेंट्स हैं, फोर एलिमेंट्स हैं, ए वन के सारे एलिमेंट अपने आप से एसोसिएटेड होंगे। ए वन में 1 3 5, देखो क्या 1 1 से एसोसिएट होगा, होगा, क्योंकि 1 से 1 का डिफरेंस 0। ठीक है, 3 3 से डिफरेंस 0, 5 5 से डिफरेंस 0, 1 का 3 से डिफरेंस क्या आएगा, इवन। 3 का 5 से डिफरेंस क्या आएगा, इवन, राइट। 5 का 3 से डिफरेंस क्या आएगा, इवन। 1 का 5 से डिफरेंस क्या आएगा, इवन। 5 का 1 से डिफरेंस क्या आएगा, इवन। किसी भी एलिमेंट का डिफरेंस देखोगे आप इवन है, क्यों, क्योंकि बच्चों दोनों साइड ऑड नंबर है, एक ऑड नंबर और एक ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा इवन होता है। ठीक है, तो हर एलिमेंट आपस में एसोसिएट होगा, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए वन, ए वन मतलब 1 3 5, ए माइनस, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू दिस, ए माइनस बी मोड इज इवन। वाई, बिकॉज डिफरेंस ऑफ टू ऑड नंबर, टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज इवन। दो नंबर्स का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, इवन होता है। दिस इंप्लाइज ए बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी चाहे कुछ भी हो, ए बी आर में बिलोंग करेगा, मतलब ए इस सेट का हर एलिमेंट आप फर्स्ट में एसोसिएट होगा। सेकंड, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए टू, ए टू क्या है, 2 4, ए माइनस बी मोड इज इवन। क्यों होगा ऐसा, कारण बताओ। इवन माइनस इवन इवन होता इवन माइनस इवन इवन होता है, एज क्यों, डिफरेंस ऑफ टू इवन नंबर, है इज ऑलवेज इवन, इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। ठीक है, दिस इंप्लाइज ए ए बिलोंग्स टू आर, ए आर में बिलोंग करता है। ए आर में बिलोंग करता है, बट बच्चों इफ ए बिलोंग्स टू ए वन एंड बी बिलोंग्स टू ए टू,
ए अगर ए वन से लेना है आपको और बी आपको ए टू से लेना है, तो इधर तो है 1 3 5, इधर है 2 4, 1 से 2 का डिफरेंस 1 आएगा, ओड एसोसिएट नहीं होगा। 1 4 से डिफरेंस 3 आएगा, एसोसिएट नहीं होगा। 3 का 2 से डिफरेंस 1 आएगा, एसोसिएट नहीं होगा, कोई भी एसोसिएट नहीं होगा। ए माइनस बी मॉड इज ऑड इम्प्लाइज ए माइनस बी मॉड इज ऑल्सो ऑड, दिस इम्प्लाइज ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, वाट एवर बी द ए एंड बी। इफ फॉर एनी ए बिलोंग्स टू दिस, बी बिलोंग्स टू ए टू, ए और बी आपस में एसोसिएट नहीं होंगे। यस सर। नेक्स्ट इज नाइन्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है बच्चों, इवन के जगह वहां पर वर्ड यूज हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 4। इवन के जगह क्या वर्ड यूज हो जाएगा? मल्टीपल ऑफ 4, बाकी सब ऐसा ही है। 12th क्वेश्चन बताओ, पढ़ो जरा 12th क्वेश्चन को। अर्जुन भाई हमें तो कुछ पानी वानी पीना होता है तो हम तो कैमरा ऑफ करते नहीं है। सर ध्यान से, सर अर्जुन पानी उठा लेगा, सर ध्यान से पीना। मैं तो श्योर हूँ अर्जुन कोई नहीं छीन सकता, कैमरे को तो कोई नहीं छीन सकता। अर्जुन को थोड़ा डाउट है सर, कहीं कह ना देंगे भाई अर्जुन हमें भी खिला दो। ट्रायंगल वाला ना? हाँ ट्रायंगल वाला। 12th क्वेश्चन, शो दैट रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट आर T1 T2 such that T1 is similar to T1, T1 is similar to T2. T1 T2 के साथ सिमिलर है, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? यस सर, कि ट्रायंगल को से सिमिलर है, सिमिलर होंगे सर एक दूसरे से। यस सर, सिमिलर होंगे। दोबारा ज्वाइन करो बच्चों।